नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे TCS के क्वार्टर फोर के नतीजे के बारे में। जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, इसमें TCS के क्वार्टर फोर के नतीजे किस प्रकार के आए हैं, तो इसके प्रॉफिट और उसके रेवेन्यू की बात करेंगे। कैसा रहा, ये एस्टिमेट को बीट कर पाया या नहीं, जो एक्सपर्ट था उसका क्या मतलब आशाएं थी कि इसके रिजल्ट से उस एस्टिमेट को बीट कर पाया या नहीं कर पाया, तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो देख सकते हैं ये हमारा PDF है जो कि TCS के क्वार्टर फोर के रिजल्ट का है। देख सकते हैं आज 16 अप्रैल 2020 का है, तो आज ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4:30 पर। तो थोड़ा विलम्ब से, थोड़ा देरी से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन चलिए नीचे चलते हैं। तो देख सकते हैं इसमें 6 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया गया है, जो कि मतलब शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू वन। तो फेस वैल्यू वन के रिजल्ट के साथ साथ 6 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है TCS के द्वारा, जो कि शेयर होल्डर के अप्रूवल का इंतज़ार है। तो अब चलते हम नीचे, यहाँ पर इसके रिजल्ट को कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से। तो देख सकते हैं थोड़ा इसमें PDF जो है अच्छा नहीं है, तो PDF आप देख सकते हैं थोड़ा लेटर जो है वो एकदम क्लियर नहीं है। तो ये हमारा देख सकते हैं क्वार्टर मार्च जो 31 है, और ये हमारा दिसंबर 31 है। तो मार्च 31 और दिसंबर 31 दोनों कंपेयर भी करेंगे, और जो पिछले साल का है 19 का उसको, और 2020 का उसको भी कंपेयर करेंगे। ये है हमारा 2019, ये हमारा 2020 जो ईयर बेसिस है वो रिजल्ट है, और यहाँ पर है हमारा है दिसंबर 2019, और ये हमारा है मार्च 2020, और ये हमारा मार्च 2019। मतलब आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर सकते हैं, और जो सेम है पिछले साल का मार्च क्वार्टर का 2019 के मार्च क्वार्टर, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है हमारा है पिछले साल का जो एनुअल रिजल्ट है, मतलब मार्च 2019 में जो एनुअल रिजल्ट पब्लिश किया गया था, और ये मार्च 2020 में, ये है हमारा मार्च 2020, ये है हमारा मार्च 2019। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं टोटल इनकम। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इनकम अब की बार जो आया है वह है 40,584 करोड़, और जो पिछले क्वार्टर में था वो हमारा टोटल इनकम कितना था, 40,672 करोड़। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, थोड़ा ये लेटर अच्छा नहीं है PDF का, 40,672 करोड़ पिछले क्वार्टर का था, और 40,584 करोड़ इस क्वार्टर का है। मतलब कुल जो हमारा 6 करोड़ ज़्यादा है टोटल इनकम इस क्वार्टर का, मतलब लगभग फ्लैट रहा, मतलब ज़्यादा कोई इंक्रीज नहीं हुआ इस इनकम में, मतलब क्वार्टर के इनकम में पिछले क्वार्टर से मात्र 6 करोड़ का इंक्रीज हुआ। वहीं अब पिछले साल के मार्च क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे, तो पिछले साल मार्च क्वार्टर का था 39,203 करोड़, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। वहीं बात ईयर ऑन बेसिस करें, तो पिछले साल का जो 2019 का एनुअल रिजल्ट था उसमें नेट इनकम था वो 150,774 करोड़, और इस साल जो है हमारा वो है 1,51,541 करोड़। ये क्लियर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 1,51,541 करोड़ मान के चलते हैं, यही होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मतलब ईयर बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बहुत ही लिटिल, मतलब एक फ्लैट कहा जाए, बहुत ही कम, मतलब एक बहुत ही कम का गैप है। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा सिचुएशन जो उपलब्ध हुआ उस वो हमारा कोरोना वायरस है के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो हमारा, यहां देखिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट है, कर दी कंट्री लार्जेस्ट आईटी प्रोवाइडर अप्रैल 16 रिपोर्टेड कंसोलिडेट प्रॉफिट ऑफ 8049 करोड़, जो कि डाउन है 0.8% ऑन क्वार्टर बेसिस, जो पिछले साल के क्वार्टर बेसिस है उससे इतना, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो डाउन है, प्रॉफिट डाउन है 0.85% से। ये क्यों है, तो यहाँ पर देख सकते हैं COVID-19 पैंडमिक के कारण 10 डेज मार्च में हमारा इंडिया लॉकडाउन रहा। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ तो लेट से कोरोना वायरस प्रारंभ हुआ, इससे पहले हमारी जो TCS कंपनी है ये भारत के कई कंट्रीज़, भारत से बाहर कई कंट्रीज़, मतलब फॉरेन के कई कंट्रियों में इनका बिजनेस है। तो जो अमेरिका है, यूरोप है, उसमें हमारा लॉकडाउन तो पहले ही हो चुका, जो कि इसके सर्विस को क्या क्या इफ़ेक्ट किया, जिससे हमारा क्वार्टर जो रिजल्ट है TCS का वो बहुत ही कम आया।
तो चलिए आगे देख लेते हैं। टोटल इनकम हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल टैक्स एक्सपेंस, जो टोटल टैक्स एक्सपेंस है वो भी कहा जा रहा है कि ये इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस में वृद्धि हुआ, इनकम में थोड़ा सा कमी आया, एक्सपेंस में थोड़ा वृद्धि हुआ, तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो हमारा पिछला क्वार्टर है और इस क्वार्टर का कंपेयर करते हैं, पिछले क्वार्टर का था 8,144 और इसमें है हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव पीरियोडिक इनकम 8,428। वही ईयर ऑन बेसिस करें तो पिछले ईयर बेसिस पर एनुअल रिजल्ट में था 31,886 और इस साल जो है हमारा वो है 32,911। तो इस तरह का कुल मतलब हमारा इनकम रहा और ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है फॉर द पीरियड। तो उसके बाद हम नीचे चलते हैं, ये पीडीएफ थोड़ा सा मतलब इसमें लेटर एकदम स्पष्ट नहीं है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक, तो अर्निंग पर शेयर देखिए ईपीएस, जो अर्निंग पर शेयर है आप जो ईपीएस निकालते हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर देखिए इस साल है हमारा जो रहा है 21 रुपीज़ 45 पैसा, 21 रुपीज़ 45 पैसा और पिछले साल जो था वो है 21 रुपीज़ 63 पैसा। तो इस क्वार्टर में जो हमारा है बहुत ही कम अर्निंग पर शेयर रहा, मतलब इससे देख सकते हैं आप कितना पैसा कम हो गया, 22 पैसा कम हो गया। तो देख सकते हैं 22 पैसा जो अर्निंग पर शेयर कम हो गया पिछले क्वार्टर से, अगर ईयर बेसिस करेंगे कंपेयर तो यहाँ पे हमारा 89 रुपीज़ 5 पैसा था, इस बार हमारा हो गया 86 रुपीज़ 19 पैसा, 86 रुपीज़ 19 पैसा देख सकते हैं 19 पैसा, और पिछले साल 89 था, मतलब अप्रॉक्स 3 रुपया का कमी आया किसमें, अर्निंग पर शेयर में थी एनुअल बेसिस पे, और 22 पैसा का कमी आया अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेसिस पे। तो कुछ इस तरह का रिजल्ट रहा क्वार्टर फोर का टीसीएस का। इसका क्या कारण है, जो कोरोना वायरस के इफेक्ट के कारण अमेरिका पहले से लॉकडाउन है, वहाँ इसका बिजनेस इफेक्ट हुआ, फिर इंडिया में लॉकडाउन रहा मार्च के 10 दिन, तो ये मार्च तक का ही हमारा जो क्वार्टर गिनती में आया, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है अप्रैल टू मार्च, तो मार्च तक में 10 दिन हमारे यहाँ बिजनेस इफेक्ट हुआ, फिर अमेरिका में हुआ, और साथ साथ बोला गया कि इस बार जो डॉलर में इंक्रीमेंट था पिछले साल के तुलना में वो कम था, इसलिए भी जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो प्रभावित हुआ। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप टीसीएस के रिजल्ट से समझ गए होंगे कि आपका जो शेयर है टीसीएस में अभी आपको बाइंग फ्रेश नहीं करनी है इस प्राइस पे, अब प्राइस जैसे नीचे आता है तब आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए हम टीसीएस के शेयर को देख लेते हैं, जो हमारा टीसीएस शेयर है अभी प्राइस क्या है, तो हम टीसीएस के शेयर को लेते हैं। टीसीएस शेयर में फ्रेश बाइंग के लिए आपको इसका जो 52 वीक लो है उस पर आपको लेना है, जो 52 वीक लो है उसके आसपास आना है तभी लेना है। देखिए 52 वीक लो ये हमारा टीसीएस है, टीसीएस का हमने शेयर को यहाँ पर लगा लिया है। टीसीएस के शेयर में आप देख सकते हैं जो 52 वीक लो है वो प्राइस कितना है, 52 वीक लो प्राइस है 1506 रुपये, और जो हाई प्राइस है वो है 2296 रुपये। तो जब तक आपको 1600 के नीचे नहीं आ जाता है तब तक आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट थे वो बहुत ही बेहतर नहीं आए हैं, वो लगभग फ्लैट रहा है जैसा पिछले क्वार्टर का रिजल्ट था। लेकिन जो टीसीएस से उम्मीद की जा रही थी कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट और देंगे, लेकिन कुछ वैसा रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए इसमें फ्रेश बाइंग आपको 1600 रुपये और उससे नीचे आता है तभी करनी है। तो ऐसे बहुत ही अच्छा है, जैसे हमारा सिचुएशन नॉर्मल आता है तो ये निश्चित ही आप मूव दिखाएगा, एक अच्छा ऊपर की ओर जो है मूव दिखाएगा। तो वैसे में आप फ्रेश बाइंग करते हैं कब, जब ये 1600 से नीचे आता है। तो क्वार्टर के रिजल्ट को हम इसीलिए देख रहे थे कि हमारा जो लेवल होना चाहिए टीसीएस में बाइंग का वो कौन सा होना चाहिए, तो रिजल्ट जो है ज़्यादा खास प्रभावित नहीं किया है, तो इसलिए आप जो इसमें बाइंग करेंगे वो इससे लोअर प्राइस पर जो प्रेजेंट लेवल है, और मार्केट इसे किस प्रकार लेता है रिजल्ट को वो कल आपको दिख जाएगा, कल मार्केट में इसके मूवमेंट से पता चल जाएगा। अगर पॉजिटिव मूवमेंट होता है तो रिजल्ट को मार्केट पॉजिटिव लेगा, अगर मार्केट का जो
एक्सेप्टेशन था, मतलब मार्केट जो एक्सेप्ट कर रहा था इससे जैसा रिजल्ट अगर वैसा मिला होगा तो इसमें पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा। अगर मार्केट के जो आशा थी इससे उसको बीट नहीं कर पाया तो इसमें आपको मतलब गिरावट देखने मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और ये वीडियो आपको TCS में जो शेयर बाय करने में आपको मदद करेगा, और साथ ही साथ कल आपके मार्केट के जो मार्केट का डायरेक्शन है कल उससे आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट TCS का कैसा रहा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से आपको अगले दिन जो इंफोसिस का शेयर का रिजल्ट आएगा उसको भी बताएंगे। तो इस तरह के सारे जो इम्पोर्टेंट शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उसके रिजल्ट के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।